हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यदि आप बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं तो किस तरह से ओपन करा सकते हैं, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के बारे में, तो यहाँ पर आप बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं करा सकते हैं, इसे आप ऑफलाइन ही ओपन करना होगा। अभी तक ऑनलाइन इसका कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर आपको ऑफलाइन बैंक में जाकर के ओपन कराना होगा फॉर्म फिलअप करके। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारा अकाउंट देखने को मिलता है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट देखने को मिलता है, साथ ही अपना अकाउंट यहाँ पर फॉर्म जो है किस तरह से फिलअप करना है, किस तरह से भरना है और जमा करना है। यदि आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो तुरंत आपको हाथों हाथ एटीएम भी मिल जाएगा। यदि चाहते हैं आपका नाम लिखा हुआ एटीएम रहे तो आप इसे मंगा भी सकते हैं अपने घर पर बाय पोस्ट, लेकिन आप चाहते हैं कि तुरंत एटीएम भी मिल जाए तो आपको हाथों हाथ एटीएम भी तुरंत मिल जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में आपको काफ़ी सारे फैसिलिटी देखने को मिलता है, जैसे कि लोन हो या फिर कार लोन, होम लोन, सभी तरह के आपको फैसिलिटी देखने को मिलता है और बैंकों की तरह। यहाँ पर चलिए आपको हम दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम गूगल खोल लिए और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर पहला नंबर में ही आपको दिखाई देगा बैंक ऑफ इंडिया डॉट कॉम। यहाँ पर देखिए दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया डॉट कॉम, इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ओपन हो रहा है ये, अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप मोड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप मोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब ये डेस्कटॉप के हिसाब से यहाँ पर ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर में ही दिख रहा होगा यहाँ पर पर्सनल, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी तरह का यहाँ पर अकाउंट दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देता है BOI स्टार युवा अकाउंट, स्टार महिला SB अकाउंट, स्टार सीनियर सिटीजन SB अकाउंट, SB अकाउंट फॉर पेंशनर, सेविंग बैंक अकाउंट डायमंड सेविंग, स्टार सुरक्षा SB प्लस अकाउंट, सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट और BOI सेविंग प्लस स्कीम, BOI सुपर सेविंग प्लस। यहाँ पर सभी तरह का अकाउंट आपको दिखाई देगा। उसी तरह से यहाँ पर सैलरी में भी आपको देखेंगे सैलरी में कौन कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट कौन कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मन मुताबिक अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कौन कौन सा अकाउंट है सेविंग अकाउंट में। यहाँ पर देखिए पहला है BOI स्टार युवा अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट है, यहाँ पर फीचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ATM दिखाई दे रहा है, रिवार्ड पॉइंट विल बी गिवन फॉर यूजेज ऑफ आवर डेबिट कार्ड फॉर कैश विड्रॉल, यानी कि ATM से कैश विड्रॉल करते हैं इसके ATM के थ्रू, ATM डेबिट कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पर आपको रिवार्ड भी मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग देखने को मिलता है, मोबाइल बैंकिंग, और यहाँ पर एवरेज क्वार्टरली यहाँ पर लिखा हुआ है AQB क्रिटेरिया, यानी कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस क्रिटेरिया। तो यहाँ पर एज ग्रुप आपका 21 से 35 वर्ष होना चाहिए और यहाँ पर दिया गया है 21 से 35। चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एज ग्रुप 21 से 35 ईयर्स, 5,000 रुपये आपको मेट्रो के लिए और यहाँ 2,500 रुपये सेमी अर्बन रूरल के लिए आपको क्वार्टरली में लगेगा, यानी कि त्रिमासिक, क्वार्टरली मतलब त्रिमासिक। यहाँ पे आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, यानी कि 2,500 रुपये आपको 3 महीने में ज़रूरी रखना होगा इसमें। और यहाँ पर 21 से 35 वर्ष आपकी एज है तो ही आप इसको अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जेस के बारे में दिया है, कितना रुपये आपको चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको चेकबुक के साथ फैसिलिटी चाहते हैं तो 100 रुपये प्लस GST आपको देना होगा। यदि आप बिना चेकबुक का लेना चाहते तो 60 रुपये प्लस GST आपको, यदि आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको पे करना होगा, यानी कि 2,500 रुपये आपका है सेमी अर्बन के लिए और 5,000 है मेट्रो के लिए, मेट्रो और अर्बन के लिए।
इसके बाद उसी तरह से आगे वाला और भी अकाउंट है यहाँ पर, यहाँ पर्सनल में जाते हैं और यहाँ पर है स्टार महिला SBI अकाउंट। यदि आप महिला हैं, लेडीज हैं, तो यहाँ पर आपको ये अकाउंट आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन आपका यहाँ पर क्राइटेरिया में दिया गया है कि या तो आप यहाँ पर सैलरी आप हैं, सैलरी एम्प्लॉय हैं, या आपको सेल्फ एम्प्लॉय है यानी खुद से काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, और भी चीज़ है सेल्फ एम्प्लॉय में, और आपका इंडिपेंडेंट है सोर्स के लिए, इनकम जो है आप खुद कमाती हैं, तो यहाँ पर आप ओपन करा सकते हैं। ये ओमेन का अकाउंट है, ये अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं, स्टार महिला SBI अकाउंट। और यहाँ पर ओपनिंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, इसमें भी आपको 5000 रुपये है, यानी कि 5000 रुपये आपको त्रिमासिक में यानी कि 3 महीने में आपको रखना ज़रूरी है, 3 महीने के अंदर, नहीं तो आप यहाँ पर आपको फिर चार्ज देना होगा जो इसका चार्ज है। चलिए इसके बाद आगे का और अकाउंट देख लेते हैं, यहाँ पर्सनल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको SBI अकाउंट फॉर पेंशनर है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे डायमंड सेविंग बैंक अकाउंट, इसके बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए इनिशियल डिपॉजिट है, यानी कि आपको अकाउंट ओपन करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पर बैलेंस रख नहीं देना है, आप तुरंत अकाउंट ओपन करा सकते हैं जीरो बैलेंस पर यहाँ पर। लेकिन आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा यहाँ पर रहना ज़रूरी है। तो ये भी अकाउंट जो है आपका यहाँ पर देख लिया आपने, यहाँ पर आपको चेकबुक भी इशू किया जाएगा। और यहाँ पर अकाउंट देख लेते हैं, यहाँ पर है आपको स्टार सुरक्षा SBI प्लस अकाउंट, ये अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। ये अकाउंट जो है आपको यहाँ पर एलिजिबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट खुला सकते हैं आप, ज्वाइंट अकाउंट भी खुला सकते हैं। इनिशियल बैलेंस आपको कितना देना होगा, यहाँ पे 500 रुपये आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखना है, 500 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, 500 रुपये आपको 3 महीने में रखना पड़ेगा। तो ये आप खुला सकते हैं अकाउंट, चूँकि ये अच्छा अकाउंट है आपको। यहाँ पर आप चार्जेज फॉर नॉन मेंटेनिंग, यदि आप इसमें बैलेंस नहीं रखते तो आप कितना रुपये आपको चार्ज देना होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको चेकबुक के साथ यदि आप अकाउंट ओपन किए हैं, आप लिए हैं चेकबुक भी, तो 54 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पे करना होगा, 54 रुपये प्लस ST आपको देना होगा। यदि आप चेकबुक नहीं लिए हैं तो 40 रुपये प्लस ST आपको पे करना पड़ेगा 3 महीने तक, यदि आप 500 रुपये इसमें नहीं रखते हैं तो। यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका अकाउंट और जो है दूसरा अकाउंट कौन सा है, ये हम बात कर लिए हैं स्टार सुरक्षा SBI प्लस अकाउंट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर है सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर एलिजिबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल है, जो कि आपको सिंगल खुला लेना चाहते हैं अकाउंट या फिर ज्वाइंट। इनिशियल डिपॉजिट आपको 500 रुपये देना होगा, चेकबुक यदि आप लेना चाहते हैं, यदि आप चेकबुक नहीं लेना चाहते तो 100 रुपये आपको देना होगा अकाउंट ओपनिंग के समय में। यहाँ पे ये अकाउंट भी आपको अच्छा है, इसको भी आप ओपन करा सकते हैं, लेकिन आप यदि इसमें बैलेंस नहीं रखते हैं 3 महीने तक, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर देना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मेंटेनेंस फॉर मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 500 रुपये 3 महीने में, मिनिमम बैलेंस चार्जेज आपको 100 रुपये पर क्वार्टर, यानी कि यदि आप नहीं रखेंगे 3 महीने के अंदर तो यहाँ पे आपको 100 रुपये चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है चार्जेज कितना रुपए आप इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे चार्जेज के बारे में दिया गया है। यदि आप इसमें बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो यहाँ पे चार्जेज दिया गया है, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि आप यही अकाउंट ओपन कराइएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट, यही अकाउंट आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको इनिशियल डिपॉजिट मात्र इसमें 100 रुपये आप डिपॉजिट करके यहाँ पर अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं। अब हम इसके बारे में तो बात कर लिए, अब हम बात करेंगे इसको किस तरह से फॉर्म को फिलअप करके जमा करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो नहीं करेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, यहाँ पर अभी तो फिलहाल नहीं है, बाद में कहीं भविष्य में हो तो इसकी बात अलग है, लेकिन अभी यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। अब यहाँ पर मेरे पास फॉर्म है, अब इस फॉर्म को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी से हम फॉर्म को फिलअप कैसे करते हैं इसके बारे में बात करें।
यहाँ पर ये फॉर्म आपको हिंदी में है और एक इंग्लिश में भी आपको है। यहाँ पर आप या तो हिंदी में इसको फिलअप कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में कर सकते हैं। चलिए आपको हम यहाँ पर इंग्लिश में करके बताते हैं। अब यहाँ पर पहला है आपको ब्रांच, यहाँ पे जिस ब्रांच में आप अकाउंट अपना ओपन कराएंगे यहाँ पे नाम लिख लेंगे उसका, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाम। इसके आपको यहाँ पर ये SOL ID है और सीरियल नंबर ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ कस्टमर ID और यहाँ पर और अकाउंट नंबर ये आपको KYC ID आपको नहीं फिलअप करना है, छोड़ देना है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर है नाम, यहाँ पर है फर्स्ट नेम, यहाँ पर है मिडिल नेम और यहाँ पर सर नेम। इससे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ पे कौन सा आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। यहाँ पे चलिए हम सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। इसके आपको यहाँ पर है फर्स्ट नेम, यहाँ पे नाम लिखना है आपको, मिडिल नेम और सर नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपको अपना नाम में जो नाम आपका है यहाँ पे डाल दीजिए फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम सोनू है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोनू। और यहाँ पे मिडिल नेम में लिखेंगे, फिर जो मिडिल नेम है आपका, जैसे कि कुमार है मिडिल नेम कुमार लिख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे अब यहाँ पर सर नेम मतलब हो गया लास्ट नेम आपका, जैसे सोनू कुमार सिंह है तो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर सर नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर मैडन नेम है, यदि आप फीमेल है तो आप इसको भरेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको जेंडर, जी मतलब जेंडर बताया गया, एम मतलब मेल, एफ मतलब फीमेल यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप कर लीजिए, डेट मंथ और ईयर के हिसाब से, जैसे कि 5, उसके बाद ऐसे कर लेना और आपको 5/1/1993 इस तरह से फिलअप कर लेना। अब यहाँ पे पेन है, पेन के लिए पूछ रहा है तो पेन नंबर आपको यहाँ पे भर लेना, अपना पेन नंबर जो भी हो अपना भर लीजिए, जैसे CTIPP इस तरह से अपना भर लीजिए। यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी आपको फिलअप नहीं करना है, कस्टमर आईडी यदि आप पहले से आपका अकाउंट है तो यहाँ पे कस्टमर आईडी होगा, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आप पहली बार अकाउंट ओपन करा रहे हैं इसलिए आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, जैसे मैरिड है तो यहाँ पे फिर लिख दीजिए मैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी है, आप यहाँ पे इंडियन भर लीजिए। यहाँ पे ऑक्यूपेशन है यानी आप करते क्या हैं, जैसे कि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भरेंगे यहाँ पर। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ आपका क्या रिलेशन है, तो आप चूंकि खुद से अपना अकाउंट ओपन करें यहाँ पे सेल्फ भरेंगे। यहाँ पर फादर का नाम आपको भर लेना है, जैसे कि फादर का नेम जो भी है आपने यहाँ पे डाल दीजिए, फादर का नेम यहाँ पे डाल दीजिए फादर का नेम। इसके बाद मदर का नेम यहाँ पूरा लिख लेना है, पूरा नाम लिखना है, जैसे कि मदर का नेम है ललिता सिंह तो ललिता सिंह पूरा लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर है प्लीज चूज फ्रॉम द फ्लोइंग, माइनर है सीनियर सिटीजन है, यदि आप हैं तो इसमें लिखेंगे, माइनर नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। जनरल है यहाँ पर तो जनरल पे आप टिक कर देंगे। इसके बाद आपको नेम ऑफ गार्जियन है, इनकेस यदि आप माइनर हैं यानी कि 18 वर्ष से आपका एज कम हो रहा है तो आप यहाँ पर नेम लिखेंगे गार्जियन का अपना, और यहाँ पर अटैच लगाना है अपना माइनर का डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा। इसके बाद रिलेशनशिप क्या है माइनर के साथ यहाँ पे टिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको फादर, यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है माइनर के साथ, यदि आप माइनर है तब इसको आप फॉर्म फिलअप करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर चेकबुक है, यदि आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो छोड़ देंगे इसे। अब यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट के लिए आपको पासबुक चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे। पासबुक में आप ईमेल पर भी चाहते हैं तो ईमेल पर अपना स्टेटमेंट चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। अब ब्रांच से आप चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रांच पे टिक करेंगे। स्टेटमेंट आप मंथली लेना चाहते हैं यहाँ पे टिक करेंगे। ईमेल पर लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो इस पर टिक कर लेंगे स्टार कनेक्ट पर। डेबिट कम ATM कार्ड चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए छोड़ देंगे आप। आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए तो छोड़ देंगे, इसको क्लिक नहीं करेंगे, टिक नहीं करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये हिंदी में भरने के लिए, इसको हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं,
इंग्लिश में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ फुल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप क्या देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे जैसे पैन कार्ड, आपको पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी प्रूफ में जो चीज देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको दो चीज देना है, एक तो आप आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, दूसरा आपको एड्रेस प्रूफ के लिए देना होगा। यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक से दे सकते हैं, पैन कार्ड तो देना ही देना है आपको, और यदि आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो फिर आप लगा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड, नहीं तो आधार कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसका नाम लिख लेंगे टाइप, यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी सेकेंड, यदि आप पहला में जैसे कि यहाँ पर आप लगाए आधार कार्ड, दूसरा लगाए हैं यहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पे लिख देंगे आधार कार्ड, और यहाँ पर आधार कार्ड लिखेंगे, यहाँ पर पैन कार्ड लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका है नंबर, आप यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे, आधार कार्ड का नंबर लिख लेंगे यहाँ पर, आपको इशू अथॉरिटी इसको छोड़ देना है, डेट ऑफ इशू छोड़ देना आपको, प्लेस ऑफ इशू इसको छोड़ देना है, फिलअप नहीं करना आपको। अब यहाँ पर आपको एड्रेस में लिखना है, जो आपको एड्रेस आपका है यहाँ पे आप इसका एड्रेस लिख लेंगे, जैसे कि एट दे देंगे, और यहाँ पर जैसे कि आपका एड्रेस में जो भी हो रोड नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीट नंबर लिख लेंगे, आपका क्वार्टर नंबर कितना है यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे डाल दीजिए, सिटी कौन सा है यहाँ पे सिटी लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्टेट लिख लीजिए जिस भी स्टेट से आप हैं, यहाँ पे पिन कोड टाइप कर दीजिए जो पिन कोड आपका है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना, और यहाँ पे यदि आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर, आपको यहाँ पे करेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं यहाँ पे फिलअप कर देंगे। आप यदि आप इंडिया के अलावा किसी और भी देश में आप टैक्स पे करते हैं, और भी देश में आपका रहते हैं अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपना लिख देना है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे देना होगा, जो भी आधार कार्ड का एड्रेस है यहाँ टाइप कर लीजिए, नंबर जितना भी एड्रेस यहाँ पर जितना भी आधार कार्ड का नंबर है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अब यहाँ पे अपना साइन कर देना है, इंग्लिश में वही चीज है, यहाँ पे अपना आपको सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर करके आपको यहाँ पर इसके आपको यहाँ पर ब्रांच का नाम लिख लेना है, यहाँ पे सिटी लिख लेना है, टाइप ऑफ अकाउंट। अब यदि आप किसी और बैंक में अपना अकाउंट है आपका और उसका आप यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर यदि आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है पहले से ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप उसका एड्रेस लिख लेंगे, पूरा फिलअप कर लेंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक फोटो लगाना होगा, और यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, कस्टमर आईडी आपको नहीं भरना है, ये बैंक वाले भरेंगे। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका नेम यहाँ पर है, बैंक ऑफिशियल है ये, देख लीजिए, ये भी आपको नहीं करना है, छोड़ देना है आपको। नीचे स्क्रॉल करते हैं, हिंदी में भी वही चीज है। अब यहाँ पर फॉर्म 16 है, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो आपको ये छोड़ देना है। अब यहाँ पर है नॉमिनी के लिए फिलअप करने के लिए नॉमिनी का नाम, यहाँ पर नॉमिनी का नाम अपना फिलअप कर देना है, यहाँ पे नॉमिनी का नाम फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पे सारा डिटेल उसका भर दीजिए, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा कुछ यहाँ पे भर दीजिए। यहाँ पे प्लेस भरना है आपको, और यहाँ पे डेट भरना है, आज का डेट जिस दिन आप इसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, जमा करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर है अपना, सिग्नेचर कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ये जमा कर देना है, जमा करने के साथ ही आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये फॉर्म जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप यहाँ इससे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप इसे फिलअप करके जमा कर सकते हैं, या बैंक से भी आप इस फॉर्म को लेकर के जमा कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया किस तरह से हम फॉर्म को फिलअप कर